हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वजह से स्टडी। फ्रेंड्स, ये है कैलेंडर पार्ट टू, और इसमें मैं एक चीज़ करेक्ट करा दूं कि जो 16, 17 और 18 का और 19 का कोड था वो थोड़ा उसमें रॉन्ग हो गया है, और मैंने कमेंट पिन कर दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो में। अब देखिए इसको करेक्ट क्या है कि 16 का कोड जो यूनिट प्लेस पर होता है वही उसका कोड होता है, यानी 16 का 6 होगा, 17 का 7 होगा जो इकाई के स्थान पर है वही, 18 का 8 होगा, 19 का 9 होगा, बाकी सब सही है। ओके, अब देखिए इसमें हम देखेंगे, जैसे कि आपने देखा था कि जीरो से लेकर के 1900 का आपने पूरा देखा था, और इसमें भी देखा था आपने जीरो जीरो से लेकर के कहाँ तक 27 तक आपको कोड याद था। अब कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका कमेंट था कि यदि 1515 का क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे, या फिर एक फ्रेंड हैं वाहिद खान जी, इनका था कि 1992 का अगर कैलेंडर है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैं इसका बताऊंगा थोड़ा सा भी, लेकिन इसको पहले मैं बताता हूं क्योंकि 1900 की श्रृंखला अभी चल रही है। तो आपको 92 का यह पता है, अभी आपने 0 से 27 तक का कोड तो आपको याद है जैसा कि मैंने बता दिया है, अब 92 का कोड तो पता नहीं है, 19 का आपको पता है कि नहीं होता है, तो कैसे याद रखेंगे। आपको याद रखना है तीन शब्द और तीन अंक और याद रखना है। तो 27 के बाद कुछ पता नहीं था तो हमने 28 को याद रखा, 28 का टेबल याद रखिए, 28 दूना 56 और 28 तियाँ 84, तो ये याद कर लिया आपने। अब देखिए सब कुछ वही रहेगा, लेकिन अब ध्यान देंगे कि 92 जो है किसके नियर बाई है, किससे बड़ा है, 92 84 से बड़ा है, सब बड़ा तो सबसे है लेकिन कम किससे बड़ा है, किसी के बीच में जब कम डिफरेंस है, तो 84 और 92 के बीच में कम डिफरेंस है, तो 92 में से 84 को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 8। अब जितना आएगा इसका कोड निकाल, कोड देखेंगे वही 92 का कोड होगा। इसका कोड क्या होगा, आप जानते हैं कि 8 वाली श्रृंखला में क्या करना है, इसमें प्लस 2 करना होता है, तो इसमें प्लस 2 करेंगे तो 10, यानी कि इसका कोड हो गया 8 का कोड 10, और वही 92 का कोड हो गया, और 19 का कोई कोड होता नहीं। तो इस तरह से आप 1992 का भी निकाल लेंगे, चाहे डेट्स यहाँ पर कुछ भी हो। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1 अगस्त 1992 को कौन सा दिन होगा, तो 1 का 1 अगस्त का 3 और 19 का कोई कोड नहीं। 92 का कोड निकालने के लिए आपको तीन चीज़ याद रखना है, 27 तक तो आपको कोड पता है, 28 का नहीं पता है, तो 28 का टेबल पढ़िए, 28 दूना 56, 28 तियाँ 84। अब 92 किसके नियर बाई है, इसके नियर बाई है, तो 92 में से 84 घटाएंगे, बचा कितना 8 आया, 8 आया, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 8 नहीं लिखेंगे, ओके 8 का कोड लिखेंगे, और 8 का कोड कैसे करते हैं, इसमें 2 जोड़ करके, तो ये हो गया 10। अब इसमें मैंने 10 जोड़ दिया, अब सबको ऐड कर लीजिए कितना आएगा 14 आएगा, और 14 को 7 से यदि भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेष कितना बचेगा 0 आएगा। जब 0 आएगा तो 0 आप जानते हैं कौन सा दिन होता है, 0 या फिर 7 होता है शनिवार, ओके तो शनिवार आएगा। तो इस तरह से आप 1992 का भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इन 56 और 84 के बीच में कोई नंबर आता है तो उस नंबर में से 56 को घटा देंगे, जो आया उसका कोड देख करके कर सकते हैं। 28 और 56 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे उन नंबर्स को क्या करेंगे, 28 में से घटाएंगे, जो आएगा उसका पहले कोड देखेंगे और वो कोड रखा करेंगे यहाँ पर, ओके। तो इस तरह से 1900 से लेकर के 1999 तक का आप कैलेंडर निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब नितिन मिश्रा जी का क्वेश्चन है कि 1515 अगर दिया हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए हमने तो पढ़ा है केवल 1900 का कैलेंडर, अब चूँकि ये 1515 का तो जानते नहीं, तो अब क्या करेंगे इसको थोड़ा सा देख लीजिए। 1900 से पीछे आप जाएंगे तो ये होगा 1800, उससे पीछे जाएंगे 100 साल तो ये होगा 1700, और इससे आगे 1900 से 100 साल जाएंगे तो ये होगा 2000। बस ये 400 साल का हमने कैलेंडर देखा और यही देखना है, बाकी सब आपको याद हो जाएंगे, चाहे वो 50-100 साल पीछे जाएँ या फिर 100,000 साल पीछे जाएँ, कभी भी जाएँ। तो देखिए इनके कोड क्या होते हैं आपको याद करना होगा, 1900 का कोई कोड ही नहीं होता, क्रॉस क्रॉस होता है, और इनका 00 होता है, ठीक है, ये तो हमेशा आपको चेंज होते रहेंगे मंथ है, जैसा कि आपने 0 से 27 याद रखा है प्लस। और अब 1700 सेंचुरी यानी 1700 साल है, तो 1700 साल का होता है प्लस 4, 1800 साल का होता है प्लस 2, और 2000 का होता है माइनस 1। याद कैसे रखेंगे, 42 का 1, कैसे 42 का 1,
माई नेम इज़ लखन। तो 1700, 1800, 1900, 2000 का आपने इस तरह से याद रख लिया। अब देखिए, यदि आपने 1515 का पूछा तो चूंकि 15 का तो कोड आपको पता है, आप जानते हैं, लिख लेंगे, लेकिन 1500 साल का, 1500 साल का तो पता नहीं है, तो अब क्या करेंगे इसमें, चूंकि हर 400 साल बाद कैलेंडर देखेंगे तो सेम आता है, तो 15 में 400 जोड़ दीजिए, 1500 में 400 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1900, यानी कि ये 1900 का कैलेंडर होगा, जो 1515 को डेट होगी, यानी इस साल का, वही 1915 का कोड होगा, 1915, ये दोनों साल का कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। चलिए निकाल के देखते हैं, इसी तरह से हम निकालेंगे 1515 का नहीं बल्कि 1115 का। अब देखिए, मैंने लिखा 1 अगस्त 1115 को कौन सा दिन होगा, तो 1 अगस्त का, 1 प्लस अगस्त में तिरंगा फहराते हैं, प्लस 15 का आप कोड जानते हैं लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, लेकिन 1100 का आप नहीं जानते हैं, तो 1100 का नहीं जानते हैं तो आप 4 जोड़ेंगे, जब 4 इसमें 11 में जोड़ देंगे तो 15 आएगा, यानी कि 1500 का कोड, 1500 का कोड भी आपको नहीं पता है, तो 15 में क्या जोड़ेंगे, 4 और जोड़ देंगे तो 15 4 19, और 19 का मतलब 1900, और 1900 का कोड आपको पता है कि कुछ भी नहीं होता है, जब 1900 का कुछ नहीं होता है तो 1100 का भी कुछ नहीं होगा, यानी कि 1500 का और 1100 का और 1900 का एक ही जैसा कैलेंडर होगा, और 15 का कोड आप जानते हैं कि 15 जो है 12 की श्रृंखला में आता है, और इस वाले श्रृंखला को कोड कैसे निकालते हैं, कोड इनमें से, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो हमने भी इसमें से इसको माइनस कर दिया, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा यहाँ पे 4 इज इक्वल टू, अब देखिए 4 3 7 यहीं ख़त्म हो गया, बचा क्या 1, तो यहाँ पे 1, और 1 का मतलब होता है आपका फेवरेट दिन रविवार, ओके अब देखिए, अब आपने 1115 का निकाल लिया तो 1515 का निकाल लेंगे, इसी तरह से कोई भी डेट्स हो आप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 50 होता तो क्या करते, तो आपको यही फार्मूला याद रखना होगा, 28 दूना 56 84, और इनमें से जो भी नियर बाई होता उसमें से घटा करके और उसका कोड लिख देते तो आपका निकल जाता, तो किसी भी साल का निकाल लेंगे। इसी तरह से आप बाहर का जाएं, जैसे 1900 का अगर आपको कोड जो भी होगा वही 2300 का कैलेंडर होगा, वही जो है 2700 का, 4 4 जोड़ते जाइए, ये सब कैलेंडर होंगे, आगे भी पीछे भी घटाते जाएंगे उसी तरह से, ओके फ्रेंड्स। चलिए अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, लीप ईयर का कैलेंडर, लीप ईयर का कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लीप ईयर आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा वर्ष जिसको अगर 4 से भाग दें और पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर होता है। एक चीज़ और जान लीजिए कि महीना भी लीप होता है, तो जनवरी का महीना और फरवरी का महीना हो तो लीप मंथ कहते हैं, और ये तो लीप ईयर रहता ही रहता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, लिखा मैंने 1 जनवरी 1920 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए यदि यहाँ पे मंथ भी लीप हो और यह भी लीप ईयर हो, महीना भी लीप का हो और ये भी लीप ईयर का हो, तब एक रूल फॉलो होता है लीप ईयर का, और लीप ईयर का रूल है कि जो भी यहाँ पे जोड़ करके आएगा उसमें से एक को घटा देना है, यानी कि इसमें क्या करना है, एक घटाना है, लीप ईयर का घटाने का फार्मूला होता है, लेकिन कब, जब महीना भी लीप में हो, यानी जनवरी है फरवरी है दोनों लीप का मंथ कहा जाता है, और यहाँ पे साल भी लीप का हो, तो जो भी यहाँ पे हल करेंगे जो आएगा उसमें से एक माइनस कर देंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं, 1 का 1 जनवरी का 1 प्लस 19 का कोई कोड नहीं और 20 का होता है, यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, कैसे, इन दोनों को जोड़ देते हैं इकाई और दहाई के स्थान को, प्लस उसमें दो अपने मन से जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, सबको जोड़ा, 4 1 5 5 1 6 6 लिख दिया। अब चूंकि ये भी मंथ भी लीप का है क्योंकि जनवरी का दिया है क्वेश्चन या फिर फरवरी का दिया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, साल भी लीप का है, तो इसमें से क्या करेंगे, -1 कर देंगे, जब -1 करेंगे तो बराबर आएगा 5, और जब 5 आया तो आपको पता है कि 5 क्या होता है, बृहस्पतिवार, ओके इसे याद रखेंगे, ऑलराइट फ्रेंड, तो इस तरह से याद रखेंगे, लेकिन यही मैंने यहाँ पे फोकस करना, यदि महीना जनवरी फरवरी यानी लीप का मंथ भी हो और लीप का ईयर हो तभी माइनस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अगर मैंने लिख दिया 1 मार्च 1920, ये तो लीप ईयर है लेकिन महीना लीप का नहीं है, इसलिए रूल फॉलो नहीं करेगा, यानी कि -1 नहीं घटाएंगे। अब देखिए 1
मार्च का कितना होता है, 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 प्लस 19 का कुछ नहीं, और 20 का कितना होता है, 4, जोड़ दीजिए 4, 4, 8, 8, 1, 9, और 9 को 7 से भाग देंगे तो 7, 1, 7, 9 में से 7 गया 2, आया कितना 2, रविवार होता है 1, सोमवार होता है 2, तो 2 का मतलब सोमवार। ठीक है फ्रेंड्स, अब चूंकि क्यों, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं था इसलिए हमने इस यहाँ पे -1 नहीं किया, नहीं तो -1 कर देते। ओके चलिए, इस तरह से हमने देख लिया। अब देखिए जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा एक क्वेश्चन है कि 5 अगस्त, एक क्वेश्चन है कि 5 अगस्त 1930 को सोमवार था, सोमवार था, तो 10 दिसंबर 1940 को कौन सा दिन होगा। तो अब इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप पहले इसको निकालिए, 5 का 5 प्लस अगस्त का 3, क्योंकि तिरंगा फहराते हैं, 19 का कोई कोड नहीं, 30 है तो आपको पता है कि 28, 28 दूना 56, 28 3 84, 28 के नियर बाई है, 28 से थोड़ा सा ही बड़ा है, तो 30 में से 28 घटाएंगे 2 आएगा, और 2 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 2 का कोड देखेंगे, क्योंकि संजोग से 2 का कोड 2 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। आप सबको ऐड करेंगे, 5, 3, 8, 8, 2, 10, ये आ गया 10, 10 में 7 घटा दीजिए या फिर 7 से भाग दीजिए तो बचेगा कितना, शेष बचेगा 3, और 3 का मतलब क्या हो गया, कौन सा दिन, देखिए रविवार का 1, सोमवार का 2 और मंगलवार का 3, तो ये आ गया मंगलवार, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, सोमवार, तो कितना कम करके बताया इसमें, 3 में से, इसने 3 में से -1 करके बताया है, तभी तो यहाँ पे सोमवार आया है, नहीं तो 3 अगर होता तो मंगलवार आता। अब क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे, हम भी क्या करेंगे, जो भी आएगा उसमें से 1 माइनस करके बताएंगे, जब ये -1 कर दिया है अपने आप को चालाक बन रहा है तो हम भी उससे चालाक बनेंगे, हम भी 1 माइनस करेंगे, लेकिन 2 मत कर दीजिएगा, ज़्यादा चालाक मत बनिएगा। ये देखिए 10 दिसंबर का आप जानते हैं, दिसंबर का कितना कोड होता है, 6 होता है, प्लस 19 का कोई कोड नहीं, और 40 28 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, और 12 का कोड क्या होता है, 12 का कोड आप जानते हैं कि इसमें से इसको घटाते हैं तो 2 में से 1 घटाएंगे 1, अब ए हो गया इस तरह से। आप सबको ऐड कर लेंगे तो 10 और 6 16 16 और 1 17, मैंने यहाँ पे लिख दिया 17, 17 में भाग देंगे कितने से, 7 से, तो 7 दूनी 14, 14 और 3 17, यानी कि बचा कितना 3, आज अब 3 बचा, तो चूंकि ये चालाक बन करके 1 माइनस करके बताया है यहाँ पे सोमवार, तो हम भी क्या करेंगे इसमें -1 करके बताएंगे। ठीक है, तो देखिए 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का मतलब ही होता है सोमवार, तो यानी कि इस दिन भी क्या होगा, सोमवार होगा, ये संजोग की बात है कि मैंने क्वेश्चन अपने से लिया है तो इस तरह से क्वेश्चन बना है, अदरवाइज कोई दूसरा भी दिन हो सकता था, बस फोकस ये करना है कि जो अगर इसने -1 किया है तो आप भी -1 करेंगे, यदि 1 दिन बढ़ा के बताता तो आप भी यहाँ पे प्लस करके 1 दिन बढ़ा के बताते। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।